जैसा मैडम बता, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन हल्के राजेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी स्टेट सेक्रेटरी हूँ। अभी जैसा कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, हैवानियत का वाक़या हुआ मोइनाबाद में, हमारी ही एक लड़की है हमारी बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप हुआ, और उसके नतीजे में चलते हुए टीआरएस हुकूमत की जो खामोशी है उससे ये हमको बहुत बड़ी परेशानी है और तकलीफ़ की बात है। और हमको ये चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि महमूद अली साहब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया और टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से भी बयान नहीं आया। इससे पहले भी मैं आकर यहाँ पर उनके घर पर मैं मिल के गया हूँ, फिर दोबारा आया हूँ। एक ही चीज़ की तकलीफ़ है कि इनका घर अनप्रोटेक्टेड है। इनका घर जो है हल्का राजेंद्र नगर में आता है, रायनगर पीएस को मैं सुबह से मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर जो है कांस्टेबल को और एक गाड़ी को तैनात करने के लिए, और मैं जब से यहाँ पर 4 घंटे से मुसलसिल खड़ा हूँ यहाँ पर एंट्रेंस पर, मैं जब से देख रहा हूँ टीआरएस के लोकल लीडर ये गली के जो है हर थोड़ी देर को राउंड मार रहे हैं। इसलिए मुझे ये पूरा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ये लोग फोर्स कर इनसे केस वापस लेने की, इनके ऊपर ज़बरदस्ती करने की इनकी कोशिश है। इसलिए हम यहाँ पर सुबह से यहीं तैनात है, अभी शाम हो गई तकरीबन जो है 6 बजने को आ रहे हम यहीं पर है, मगर पुलिस रायनगर कॉन्स्टिट्यूंसी रायनगर पुलिस का कोई अता है ना पता है यहाँ पर, हम जब से सिक्योरिटी दे रहे हैं ना। इसलिए मेरा मीडिया के ज़रिए ये मुतालबा है कि पुलिस फौरी एक्शन ले, और हमारे साथ हमारे सोशल वर्कर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी यही कंसर्न है। बोलिए मैडम। तो अभी जिस तरह से सब लोग आके बात कर रहे हैं बच्ची के साथ में, और यहाँ पर प्रोटेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर ऐसा खुले जगह पर रह रहे हैं, गरीब है, और ऑलरेडी धमकियाँ मिल चुके हैं इनको, नहीं मिले बोल के नहीं है। तो मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने आगे आए हैं, इतना कुछ करे हैं अभी तक, वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर। बट यहाँ पर जितना भी प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं आया? अभी सर जिस तरह से बोले हैं 5:30 अभी 6 बजने के लिए आया है, अभी तक प्रोटेक्शन नहीं है बच्चे के लिए, और ऑलरेडी यहाँ पर राउंडिंग्स हो रहे हैं टीआरएस पार्टी के जो भी लीडर्स है, जो भी मकबर है, जो भी है। तो यहाँ पर देख रहे ना टीआरएस वाले आ रहे हैं, सब नहीं आए, कोई भी आपको आके पूछे नहीं, कोई भी नहीं पूछे, कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं आया, नहीं पूछे। आप खुद देख सकते, देखिए उनके घर के ही है, उनके घर के अपराध है, वो लोग खुद कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आप खुद लोग आप उनकी जबान गए थे? हाँ मैडम गए, कल दो बार नहीं आए, हमारे को ना को पूछो तो अभी हम एक काम करना चाह रहे हैं। अभी आप सर अगर आप यहाँ से पुलिस स्टेशन हमारे साथ अगर जाएंगे, चलेंगे चलेंगे मैडम, और प्रोटेक्शन के लिए एक पेपर लेके आएंगे इनके लिए, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सारे लोग ये एरिया के एटलीस्ट इन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे अभी के लिए, और पूरा स्टेट तेलंगाना स्टेट सिटीजन्स पूरे हम आंसर्स के लिए वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा क्या है, ये चीज़ है। अभी हम लोग पूरे पुलिस स्टेशन जाएंगे, इन लोग को प्रोटेक्शन दिलाएंगे, और सर भी साथ में है, अच्छा हुआ है, और बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी है यहाँ पर, मीडिया है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर मीडिया, सारे काम छोड़ के आप यहाँ तक आए हैं, इतना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज़ों को, आई एम रियली थैंकफुल। और आप भी आगे जाके जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस लोग जितना भी क्या भी बोल रहे हैं, प्लीज़ अच्छे गौर से सुनिए उन लोगों के बात, और एक्सपोज करिए जितना हो सकता है इस इश्यू को। जय हिंद। अभी कोई पुलिस वाले सुबह से कोई आया आपके पास? पुलिस वाले आए या सुबह से कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई कांस्टेबल को लगाए अभी? नहीं अभी लगाए अभी नहीं, जब आए थे ना आए नहीं, जब आए थे मगर अभी कोई प्रोटेक्शन के लिए लगाए कांस्टेबल? नहीं उसके कोई आके आपने पूछ रहे नहीं कुछ? पुलिस स्टेशन जाएंगे, सर भी रहेंगे, ठीक है, हम सब लोग हैं आपके साथ में, प्रोटेक्शन का एक लेटर ले लेंगे। बच्चों को आने की जरूरत नहीं है मैडम, वी विल रिप्रेजेंट देम एंड वी विल गिव एन एप्लीकेशन।
डरने की घबराने की बात नहीं है, हम लोग हैं। मेरा नंबर मैं आपके भाई को भी दे दिया हमने। कुछ भी है आप लोग कॉल करिए मेरे को, कुछ भी है हम लोग यहीं रहते हैं। मैं सुबह से यहीं हूँ, मैं जब से यहीं ठहरा हुआ हूँ। पुलिस वाले जब तक प्रोटेक्शन नहीं देते आप लोगों को, मैं जब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जब तक पुलिस वाले यहाँ पर अपने कॉन्स्टेबल नहीं लगाएंगे मैं जब तक नहीं जाऊँगा।